किसान को और हिंदुस्तान की जनता को कैसे रहना है और कैसे अलर्ट करना है, वो एक नया मैसेज है। दिस इज वन मैसेज फॉर ऑल ऑफ इंडिया। पठान से ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर मूवी है, एकदम मजा आ गया है। और सबसे अच्छा जो था वो था इसका इस्तेमाल करो, बेस्ट रहोगे। फिंगर वाला ये सीन था, एक मैसेज दिया है कि जिसको भी वोट देनी है सोच समझ के देनी है, अपने आप को मतलब देखना है कि कौन सी सरकार हमें लानी है। किसको 2024 में किसको जिताना है? बीजेपी अगेन, बीजेपी। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। आज हम पहुंच चुके हैं मोदी बॉल में और इस वक्त जवान मूवी जो कि थिएटर में लग चुकी है और सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा पब्लिक रिएक्शन ले ले। आपको आवाजों से पता चल रहा होगा कि पब्लिक कितनी खुश है। तो सोचा एक यस ऑफ कोर्स तो चलिए पब्लिक से ही जानते हैं कि उनको जवान जो कि शाहरुख खान की फिल्म है कैसी लगी। तो सर कैसा लगा? वन ऑफ द बेस्ट मूवी, बेटर देन पठान, उससे बेटर है। बिकॉज इसमें एक अलग टाइप का मैसेज गया है जनता को, बिल्कुल ही डिफरेंट, कि इंसान को और हिंदुस्तान की जनता को कैसे रहना है और कैसे अलर्ट करना है, वो एक नया मैसेज है। बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट की मूवी है एंड वी लव इट। शाहरुख खान अपनी ही मूवी पठान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? बिल्कुल लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट से तो लग रहा है। कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनको कैसा लगा, कैसा लगा? दिस इज वन मैसेज फॉर ऑल ऑफ इंडिया। तो मतलब आप क्या बताना चाहेंगे, पब्लिक को अपना पैसा खर्च करके आना चाहिए या बिल्कुल डबल दो बार आना चाहिए? एक बार नहीं खर्च करना चाहिए, दो बार आना चाहिए। कैसा लगा शाहरुख खान का एक्शन, कैसा लगा? पठान से ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर मूवी है, एकदम मजा आ गया है। और सबसे अच्छा जो था वो था इसका इस्तेमाल करो, बेस्ट रहोगे, एकता भाईचारा। अच्छा 2024 में इसका यूज जरूर करें, अपने वोट सही जगह ही दे। ये फिंगर वाला क्या सीन क्या है? फिंगर वाला ये सीन था, एक मैसेज दिया है कि जिसको भी वोट देनी है सोच समझ के देनी है, अपने आप को मतलब देखना है कि कौन सी सरकार हमें लानी है। 5 साल बाद हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, अपने अपने बच्चों के लिए हमने कहाँ गुजारे और कहाँ गुजार नहीं है, डिसाइड करना चाह रहे हैं। फिंगर का सिग्नल है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया? डिसाइडेड किसको किसको 2024 में किसको जिताना? बीजेपी अगेन, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी को जिताएंगे 2024। यस यस, मतलब सब बीजेपी के सपोर्टर हैं यहाँ पे? सपोर्टर कोई बीजेपी का कोई नहीं है, कांग्रेस के, कांग्रेस को जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम करिए, सबको दिखाया देश के एल लगे पड़े, इससे ज्यादा क्या दिखाओगे। अच्छा चलिए, जवान पे हम फोकस करते हैं इस वक्त। नयनतारा और शाहरुख खान का पहली बार ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिला, कैसा लगा? इतनी बेस्ट केमिस्ट्री दीपिका से, पठान से कहीं ज्यादा बेहतर है और उससे ज्यादा कमाएगी और उससे ज्यादा चलेगी। मतलब इस बार रिकॉर्ड एकदम तोड़ ही देना, अपनी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर हम बात कर ले दीपिका पादुकोण और नयनतारा की, तो दोनों लीड एक्ट्रेस है, उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन आपको शाहरुख के साथ कैसी लगी? सुपर, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। सर आप भी कुछ बता दीजिए। अच्छा कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। सर आपने जवान देखी? यस, अभी देख के आए। अच्छा, मैं आपको कौन सा सीन जवान का सबसे अच्छा? पूरी मूवी अच्छी है, वी कैन जस्ट टेक वन सीन। आई थिंक जो SRK का रोल है बाप वाला, उनका एंट्री सबसे मस्त था। अच्छा, शाहरुख खान के एक्शन की बात करें तो एक्शन कैसा लगा? आई थिंक अभी तक का उनका बेस्ट एक्शन, बेस्ट एक्शन। और एटली का डायरेक्शन जो था वो कैसा लगा? किसका डायरेक्शन? एटली तो मुझे ना पता है इसका। साउथ के डायरेक्टर है, आई थिंक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है, बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट और बहुत अच्छा डायरेक्शन। अच्छा, फिल्म में कोई ऐसा नेगेटिव रोल जो कि आप लोगों को पसंद ना आया हो? आई थिंक विजय सेतुपति ने टॉप कर दिया नेगेटिव रोल। वो तो विजय सेतुपति तो भाई मतलब एक्टिंग के लिए वो जाने ही जाते हैं, उनको उनका एक्टिंग आपको कैसा? बहुत ज्यादा अच्छा भाई। अच्छा, हमने सुना है कि इस फिल्म में संजय दत्त का भी एक छोटा सा रोल लिया गया है, तो आपको कैसा लगा? छोटा नहीं, बड़ा रोल है उनके लिए, बहुत बड़ा हमारे लिए। मतलब आप इसमें कमबैक, ऑसम।
शाहरुख खान भी अपने एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और संजय दत्त भी अपने एक्टिंग के लिए काफी मतलब फेमस है, तो इन दोनों की एक्टिंग को अगर देखा जाए तो मुकाबले में कौन सबसे बेहतर? शाहरुख खान। शाहरुख संजय बाबा भी किंग है और हमारे लिए किंग है, मैं उसको किंग कहता हूं। बॉलीवुड में किंग इज द किंग, ओनली किंग शाहरुख खान। मतलब सब सारे पब्लिक को आना चाहिए, ये फिल्म देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, फुल पैसा वसूल है। पैसा वसूल, एक मिनट के लिए बोरिंग नहीं है मूवी। फर्स्ट मूवी थी एंड वी आर एसआर के फैन एंड वी लव दिस मूवी। अगर हम फिल्म के सबसे पहले मैंने जो थिएटर मूवी देखी थी बाजीगर देखी थी, मेरे बेटे ने फैन देखी थी और इसकी पहली मूवी है जवान। मतलब पूरी की पूरी जो फैमिली है वो एसआरके की फैन है, बहुत बड़ी वाली फैन लग रही है। अच्छा अगर इस फिल्म को रेटिंग देना होगा तो 5 out of 5 क्या दें? 5 out of 5। अच्छा जो बायकॉट गैंग है जो इस फिल्म को बायकॉट करने की कह रही है, क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख खान की फिल्म में हिट देती रहेगी, ऐसा कह रहा है। बायकॉट गैंग को एक बार सुनो, उसे झाड़ियां हिलती है, पौधे का कुछ नहीं बिगड़ता। मैं सभी बायकॉट गैंग से ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप इस मूवी को आके देखें, आप एक बार देखोगे तो आप भी इसको सपोर्ट करोगे। बायकॉट वाले इसमें कोई चीज ऐसी है ही नहीं, इसमें हमारे देश के लिए दिखाया, जवानों की दिखाया गया। इसमें जो किसी चीज को भी हम सोचते हैं तो उसके पहले क्वेश्चन करते हैं। किसानों के लिए, किसानों के भले के दिखाया, किसान का कर्ज माफ करना, बड़े लोगों को पैसे माफ नहीं करते और यहाँ किसानों के सुसाइड कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ। पठान का भी किया था, क्या हुआ उसका? किसी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, तो इसका भी कुछ नहीं होगा, तो उसका भी अच्छी मूवी है। अच्छा अगर माना जा रहा है कि बोला जा रहा है कि जो पठान थी वो तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, लेकिन इस बार जो जवान आई है शाहरुख खान की वो अलग ही तहलका मचाने वाली है, तो क्या लगता है? मुझे पहले मूवी एक अच्छी लगी थी अक्षय पाजी की गब्बर इज बैक, उसके बाद ये मूवी मुझे सबसे बढ़िया लगी, वो भी इस टॉपिक पे थी, ये भी थोड़ा उस जैसे। अगर वन वर्ड में आपको शाहरुख खान की फिल्म जवान को डिस्क्राइब करना होगा तो क्या कहें? सुपर, सुपर, फैबुलस मूवी, एक्सीलेंट। अच्छा शाहरुख खान की एक्टिंग के लिए अगर वन वर्ड यूज करना होगा तो क्या कहें? एक्सीलेंट, ऑसम, ऑसम, सुपर। और अगर एटली के डायरेक्शन की बात करें तो वन वर्ड में आप क्या कहना? टाइट डायरेक्शन, वेरी टाइट, 10 out of 10। तो आपने सुना कि फैंस कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं जवान फिल्म को लेकर के, और फुल पैसा वसूल बताया जा रहा है, रेटिंग में भी 5 out of 5 मतलब 10 बताया जा रहा है। मतलब ये जो फिल्म है शाहरुख खान की सारे रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। पठान तो मतलब किसी कोने में चला गया है ऐसा माना जा रहा है, और जो जवान है वो देशभक्ति से जुड़ा हुआ है और फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया है। तो बस आप रिएक्शन से समझ सकते हैं कि लोगों को कितना पसंद आया है। हमारे साथ एक छोटे मेहमान, छोटे शाहरुख खान के फैन यहाँ पे मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि वो शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं, क्या रिएक्शन है उनका। इज द बेस्ट शाहरुख खान, द बेस्ट भाई, शाहरुख खान इज द बेस्ट। उनके छोटे से फैंस ने इतना प्यारा बात बोला शाहरुख खान के लिए, तो मतलब अब मान लेना चाहिए कि हाँ इस बार शाहरुख खान की जो आने वाली फिल्म है, इन फ्यूचर जो भी फिल्में आएंगी और जब जो भी अब तक आ चुकी हैं पठान और चेन्नई एक्सप्रेस, इस बार शाहरुख खान अलग ही धमाल मचाने वाले हैं, जवान बम्फर फाड़ और सारे रिकॉर्ड को तोड़ देने वाली है। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।